एक बात बतानी थी आपको। मेरे को ना नशा है, नहीं, किसी गलत सलत चीज़ का नहीं, स्वीट कॉर्न सूप। और अगर ये रेसिपी आपने देख ली ना, आपको भी नशा हो जाएगा। तो अभी वापस जा सकते हैं आप, नहीं तो फिर मिलते हैं म्यूज़िक के बाद। भाई अभी तक किया क्या है वो तो बता दूं। ये मैंने लिया अमेरिकन कॉर्न, कच्चा भुट्टा, ठीक है, भुट्टे वाले से ले लिया, उसको भूनने नहीं दिया, पहले ही ले लिया। उसके बाद आधे को ऐसा साबुत, आधे को नहीं, एक्चुअली 30% साबुत रखा और 60 से 70%, इन दिस केस 70% पीस लिया, मोटा मोटा दरड़ा दरड़ा, ठीक है जी। अभी पानी में डाल दिया ये वाला कॉर्न जो हमने पीसा था। अब नॉर्मली क्या है, लोग क्या करते हैं, स्वीट कॉर्न का कैन लेते हैं, कैन को लेके पानी में डाल के घोल देते हैं उसको, फिर बोलते हैं बहुत अच्छा स्वीट कॉर्न सूप बनाया मैंने। आपने अच्छा बनाया होगा लेकिन नशा नहीं होगा उससे, नशा इसी से होगा। देखिए हंसते खेलते जो काम हो जाए वो अच्छा है। अच्छा, अगर तो लगता है कि यार मेरा कॉर्न जो है वो पीला नहीं है, तो चुटकी भर हल्दी डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं, चुटकी भर। उससे क्या होगा कि वो हल्का सा पीलापन जो आप मिस करते हैं वो आ जाएगा। हरी मिर्च डाल दी मैंने बातों बातों में, मिस मत करना कुछ भी। अब इस स्वीट कॉर्न के मैं दो भाग करूंगा, एक में बनाऊंगा एग स्वीट कॉर्न सूप और एक में बनाऊंगा वेज स्वीट कॉर्न सूप, और वेजिटेबल दोनों में डालूंगा। ये बड़ा लफड़ा है ना, मतलब नॉन वेज वालों को ये फायदा है कि वेज भी मिलता है नॉन वेज भी मिलता है। वेज वाले बेचारे अटक जाते हैं, सिर्फ वेज वेज मिलता है, ये बहुत नाइंसाफी। इसको मैं बारीक बारीक काट रहा हूँ लेकिन बाद में डालूंगा। हरी चीज, हरी सब्जी, हरा रंग हीट और खट्टे से खराब होता है, इसलिए उसको ज्यादा नहीं पकाया जाता है। एज अ बेसिक रूल, कभी भी कुछ भी लिक्विड बनाए ना, उसको स्किम करते रहें, चाहे वो दाल हो चाहे सूप हो, उसका कलर क्लियर होता है, उस पर शाइन आती है जी। अभी क्योंकि गाजर को पकने में वक्त लगेगा इसलिए पहले गाजर। देखिए थोड़ा तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं गाढ़ा हो गया है सूप। गाढ़ा क्यों हो गया, क्योंकि कॉर्न स्टार्च जो कॉर्न से बनती है और सूप को गाढ़ा करने में इस्तेमाल होती है, वो हमारे वाले कॉर्न के अंदर भी है ना, तो इसलिए जो कॉर्न स्टार्च सूप को गाढ़ा करती है वही हमारे सूप को भी गाढ़ा कर रही है, ठीक है जी, नो रॉकेट साइंस। अब इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। सॉल्ट, जिंजर, इतने सूप में लगभग 1 इंच पीस जिंजर। हेलो जी, ये गया जिंजर, कॉर्न जिंजर, बड़ा कमाल का कॉम्बिनेशन है। प्लस जो हरी मिर्च डाली है उसके साथ जिंजर बड़ा अच्छा जाएगा। लेकिन कई बार भुट्टा जो है थोड़ा सफ़ेद आता है, रंग के लिए थोड़ी हल्दी डालनी, ज़्यादा नहीं डालनी, वरना आप बनाने जाएंगे चाइनीज़ सूप, बन जाएगा इंडियन शोरवा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था हल्दी सिर्फ रंग के लिए, टेस्ट नहीं आना चाहिए। ये देखिए तो अभी ब्रॉथी हो गया ना सूप, अब वक्त है कॉर्न डालने का। तो ये गया बाकी का कॉर्न, ठीक है, अब बस कॉर्न के पकने का इंतजार है, उसके बाद तो पार्टी है फिर। कभी भी कोई भी नाजुक चीज काटें तो नाइफ में धार रखें और नाइफ को ऐसे आगे पीछे चलाएं जैसे मैं चला रहा हूं, ताकि उसमें पानी ना छूटे। पानी छूट गया तो शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी, ब्रूज हो जाएगी सब्जी। अंग्रेजी में ब्रूज कहते हैं, हिंदी में घायल। सब्जी को काटना है, घायल नहीं करना। स्किम एज मच एज यू कैन, जितना स्किम करेंगे। अब देखिए पहले का सूप देख लीजिए, अब का सूप देख लीजिए, जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? क्योंकि अब का सूप क्लियर है। इतने डिफिकल्ट, आराम से बातें करते करते बन रहा है। देखो काम तो आग कर रही है, हम लोग तो बातें कर रहे हैं। एंड दैट इज वॉट मोस्ट ऑफ अस ऑलवेज मेक द मिस्टेक, कि यार खाना बनाना बड़ा मुश्किल काम है, काम तो आग ने करना है, आपने क्या करना है, सिर्फ आग पे चीज चढ़ानी है और उसके बाद उस पर नजर रखनी और बातें करते रहनी। ये लो जी ग्रीन बीन्स, ये अरारूट और ये वाइट पेपर। किसी भी सूप में वाइट पेपर डालें तो या तो पानी में घोल लें या उसको ऐसे अरारूट में घोल लें। सीधा सूप में डालेंगे तो वाइट पेपर की गांठें पड़ जाएंगी और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं, ठीक है जी। ये ऐसे घोल के और रेडी रख लें, ले जाऊं। अभी सीजनिंग में सिर्फ 3 चीज़ें हैं, हरी मिर्च हम डाल चुके हैं, जिंजर हम डाल चुके हैं,
खट्टा मीठा और तीखा बैलेंस करना है। कॉर्न की मिठास गुड इनफ है, हल्का सा विनेगर डालेंगे खटास के लिए, और फिर नमक, नमक थोड़ा और। और इसके मैं यहाँ पे कर लेता हूँ दो हिस्से, एक हिस्सा जो है वो एग ड्रॉप स्वीट कॉर्न सूप के लिए, ये लो जी। एग ड्रॉप सूप के लिए दो तरीके होते हैं, एक तरीका ये कि अंडा लीजिए, अंडे को बीट कर लीजिए और बिल्कुल ये दो बूंद पानी डालिए, बताना नहीं किसी को, पानी वाला फॉर्मूला मेरा है, अब आपका भी हो गया। पानी डालने से ना पतला हो जाता है तो ड्रॉपिंग अच्छी होती है। और अब बिल्कुल थोड़ा सा विनेगर, तो अभी कॉर्नस्टार्च डालने की बारी, पहले यहां पर, और ज्यादा गाढ़ा नहीं करना सूप को। मैं हमेशा बोलता हूं कि सबसे बड़ी गलती हम लोग चाइनीज सूप के साथ ये करते हैं कि जेली बना देते हैं, जेली, हाँ जेली नहीं बनानी, सूप बनाना है, और सूप को उबाला देके बंद कर देना है। ये देखिए बॉईल आया और बंद, और अब ये दूसरा सूप, और दूसरे सूप में एग ड्रॉप के लिए ऊपर से ऐसे एग को ड्रॉप करना है, इसीलिए उसका नाम एग ड्रॉप है, और नीचे चलाते रहना है। ये देखिए एग ड्रॉप सूप हो गया ना, तो स्वीट कॉर्न सूप दो स्टाइल का बन गया, देखिए एग ड्रॉप और नॉन एग ड्रॉप। और ये जो एग ड्रॉप सूप है, ये देख रहे हैं आप, इसमें छोटे छोटे ड्रॉप्स अंडे के आ गए, ये देखिए। अच्छा भाई, अब वो तो अंडे वाली हो गई लेडल, तो यहां फ्रेश लेडल यूज करते हैं। ये तो ये देखिए फर्क दोनों में, ये एग ड्रॉप और ये रेगुलर स्वीट कॉर्न सूप, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग जेली नहीं बनानी, क्योंकि एग ड्रॉप वाला तो वैसे भी गाढ़ा हो गया अंडे की वजह से, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा और गाढ़ा करना है तो बाद में भी डाल लीजिए। दूसरी चीज, कभी भी कॉर्नस्टार्च डाल के और सूप को ज्यादा नहीं पकाना, कॉर्नस्टार्च तुरंत नीचे लगता है। कॉर्नस्टार्च डाल के सूप को एक बॉयल दीजिए, हल्का सा गर्म करिए और हटा लीजिए, कॉर्नस्टार्च नीचे लगता है। मैंने बहुत ये वाली सबसे ज्यादा मिस्टेक मैं करता था। अब अगर इसको बिल्कुल देसी फ्राई करना है तो धनिया डाल सकते हैं, ये देखिए, इससे गाढ़ा नहीं करना, ज्यादा गाढ़ा होगा तो मुंह जल जाएगा, वो अलग दिक्कत होती है। बहुत गाढ़ा होता है जुबान पे चिपकता है ना, वैसा सूप नहीं होना चाहिए कि जुबान पे चिपके, इतना गाढ़ा है कि जुबान पे चिपक रहा है, जुबान जल जाती है। सूप हमेशा पतला ही रखना। ये एग ड्रॉप, वाह जी वाह, बन गया ना रेस्टोरेंट स्टाइल। ये लो जी, थोड़ा सा, जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ चिली ऑयल, ऑप्शनल है, मुझे लगता है थोड़ा सा डाल देना चाहिए। तो अभी कौन कहेगा कि ये बगैर कैन के घर पे बनाया हुआ रेस्टोरेंट जैसा स्वीट कॉर्न सूप है? आप कहेंगे बिकॉज आपने देखा है। और हाँ, वो सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू। डिटेल्ड रेसिपी बारीकियों के साथ, इंस्ट्रक्शंस के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, प्लीज़ चेक इट आउट।